मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है, हम है सहारा, हम है। प्रमुख महोदय, मंचा सिंह रीजनल कमेटी के सदस्य श्री अजय डुंगा साहब, आज की सभा में उपस्थित समस्त सेक्टर प्रमुख एवं वरिष्ठ वेस्ट दिल्ली टीम की साथीगण, आज सीरियस मीट के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सौभाग्य है हम लोगों का आज पुनः अपने अभिभावक महोदय का सानिध्य मिला। मैं आप सभी के तरफ से माननीय महोदय का अभिवादन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एस एन शर्मा जी से कि माननीय सर का फूलों की डलिया से स्वागत करें। जिनका भी कैश कंपोनेंट रेशियो अच्छा है, कम है, अल्टीमेटली तो बराबर है,
अलग-अलग थाउजेंड से अधिक वर्कर जो इसमें काम कर रहे हैं, उसमें जिसी की बात करें तो नंबर वन पोजीशन पर हमारे कार्यकर्ता बकावपुर के हैं, जिन्होंने 30 लाख रुपया सेकंड स्थान पर गांधीनगर के बी एन पांडे हैं, जिन्होंने 14 लाख रुपया है। एक और नाम सामने दिख रहा है, 11,000 लोगों ने मुनाफे में जमा नहीं करना चाहिए। स्वामीनाथ शर्मा जी का नाम दिख रहा है, बहुत बहुत बधाई है। आगरा रीजन के एक वर्कर हैं, जिन्होंने सबसे अधिक किया है 13,99,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड व्यापार। आपका जो फ्रेश एनसीसी मेरी रिपोर्ट में है 13,15,000 है, एंड टोटल एनसीसी आपको 26,25,000 रुपए टोटल एनसीसी। 99 वर्कर है आपके टीम में जिन्होंने टीसी में काम किया, ये बढ़ गया होता तो क्या होता, पता नहीं होगा कि 99 का आंकड़ा है। 99 वर्कर हैं, 19 कलेक्टर हैं, 47 लोग टीसी में इन्वॉल्व हुए और 2 नए वर्कर भी ज्वाइन किए हैं। न ही सेल बल्कि टीम का आकलन भी देखा जाए, टीम का टोटल प्रेडिक्शन बात करें तो 3,34,000 का इंटरफ्रेस का योगदान है। अजय गुप्ता फ्रेंचाइजी का अध्ययन है, 3 लाख रुपए का फ्रेंच एनसीसी, 15 लाख रुपए का एनसीसी, 15 लाख रुपए। ये अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। 1,50,000 रुपए का फ्रेश एनसीसी किया है, आत्मविश्वास की ताकत केसरी फ्रेंचाइजी का अध्ययन भी है आपको पता है, और लगातार इनके भवन का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग उनके धन्यवाद करना चाहिए। लगातार इनका योगदान बहुत अच्छा रहता है, 1,22,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया, 1,41 एनसीसी भी है आपको। अच्छा कितना, 12,000 का है, एंड आर के शर्मा जी ने 10,57,000 रुपये का एनसीसी भी अपने पास किया है, बहुत बहुत बधाई है इसके लिए आपको। 1,05,000 रुपए का फ्रेश किया उन्होंने, 1,76,000 रुपए का रिटर्न भी है, 1,67,000 इनकी पोस्ट पर पेमेंट भी दिया है। सबसे बड़ी बात है 7 नए वर्कर ज्वाइन कराए गए हैं इनके टीम में। कुमार ट्रेडिशनल 1,00,000 से अधिक है,
फिलहाल बहुत अच्छा किया है, 25 लाख कुमार मोहन को ₹92,000 आपने रिसीव किया, ₹2,000 का ट्रेडिशन दिया इनका, थैंक यू। सत्यराम यादव हैदरपुर 55,600 एनसीसी है, 233,900 का इन्होंने ट्रेडिशन किया है, बहुत महत्वपूर्ण, थैंक यू। गुमानी प्रसाद विश्वास की ताकत नहीं बनी है, ₹47,000 का ट्रेडिशनल के लिए बगदा देवी मोहन गार्डन ₹34,000 ₹4,92,000 का इन्होंने ₹43,000 का ट्रेडिशन भी है, ₹2,65,000 का पेमेंट भी किया है, 60 वर्कर है, 25 कलेक्टर है, 2 नए वर्कर भी इन्होंने ज्वाइन कराया है, थैंक यू। समस्त आशाओं को आपने पूरा किया है। दिलीप कुमार हैदरपुर 30,500 इन्होंने किया, 49,500 का ट्रेडिशन भी है, ₹2,50,000 का मैडम का ट्रेडिशन भी है, 17 वर्कर है, 2 कलेक्टर है, 1 नई ज्वाइन भी है, थैंक यू। समस्त आशाओं को आपने पूरा किया है। मधु राठौर 4,16,000 कलेक्टर बनाया, तीन है सर, एक का मतलब 50, दो का, दो है, तीन ही है, दो कंप्लीट कर देते हैं। सबको कलेक्शन दिया आपने, कितना कितना? एक को 42 से कुछ 42 जान दिए, और एक है उसको 32 लगा दीजिए, 32 शुरू में की जितना दे रहे हैं भेजने का कलेक्शन चार्ज का लॉस होता होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत फ्रूटफुल है, कई सारे लोग हैं देखा, आप 50 नहीं 500 वर्कर डाल दो,
गारंटी नहीं कर सकते हो कि 50,000 तक काम करते हैं, बट अगर 30,000-40,000 के 10 कलेक्टर पैदा कर दो तो गारंटी कर सकते हो कि शायद वो 10 से 9 हो, बट 10-11 ही हो जाएंगे। और किसी एक महीने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे साल के हर महीने का हिसाब देख लीजिएगा। राजीव कुमार शाह की आय जब बहुत खराब होती है तभी 4-5 लाख रुपये नहीं मिल जाती, किंतु अगर इतने कलेक्टर नहीं बने होते, इन परिस्थितियों में टीम स्टैंड नहीं होती, तो कुछ तो एक ही फंक्शन ना सिर्फ किए गए काम पर आत्मविश्वास की ताकत। उस दृष्टिकोण से देखो तो निवेश एक बहुत अच्छा है, कहा जाता ना कि अगर वास्तव में कुछ चाहिए, कुछ लेना है तो निवेश करना सीखना होगा। और हमको लगता है कि बहुत बड़ा निवेश है एक फील्ड के वरिष्ठ का, जो अपना 25,000-30,000-10,000 जो जैसे डेवलप कर सके, अगर इतना निवेश करता है वो कलेक्टर बनाता है तो इससे बड़ी शक्ति कुछ और है नहीं। आप 10 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया इस पर ला दो, 1 करोड़ का लाभ आपको मिल जाएगा, लेकिन 1 लाख का एक कलेक्टर बना दो, हमको लगता है अगले 15 सालों तक आपको लाभ मिल जाएगा। और लाभ ही नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें हैं इस कंपनी को नहीं भी अपडेट किया जा सकता, क्योंकि आप इस क्षेत्र में डेवलप के कार्यकर्ता बाकी हैं, इस पर गौर करना चाहिए। बेहद बेहद प्रशंसनीय है आपका काम, थैंक यू। आत्मविश्वास की ताकत ऑलरेडी मैं 36,700 करती हूँ, 16,000 का यूनिट सीखी हुई है। अच्छा दूसरे सुनीता देवी का भी नाम साथ ही है, थैंक यू मैडम। मुगलपुर से सुनीता देवी 25,320 प्रेस किया है इन्होंने, 1,13,000 है, 14 कलेक्टर हैं, 3 नया वर्कर इंटरव्यू में जॉइन हुई थी। एसपी रोहिला 24,000 रुपये का प्रेस इन्होंने किया, 1,14,000 का इंटरव्यू में है, 3,25,000 रुपये का ट्रेडिशनल लीग मीटिंग जो हुआ है, 56 वर्कर हैं, 15 कलेक्टर हैं, कोई नई गाड़ी तो नहीं हुई है। आत्मविश्वास की ताकत, खड़े हुए हैं, देखिए दो लेवल लगाए हुए हैं, इनकी उपलब्धियों को दर्शाता है, बहुत बड़ी बात है। अंकित जी ने 23,100 प्रेस किया है, 28,100 किया है, 56 वर्कर हैं, 19 कलेक्टर हैं, और 2 नई ज्वाइनिंग भी है। हर आर्था को पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। संदीप जोड़ा 21,000 रुपये का प्रेस इन्होंने किया है, 1,99,000 का ट्रेडिशनल भी हमारे बगल में बैठे हैं, 21,000 रुपये प्रेस इनका भी है, 1,01,000 रुपये का ट्रेडा है। सारे इनका परिवार 20,000 उन्होंने प्रेस एनसीसी किया, 1,31,000 का एनसीसी भी है, 20,000 रुपये का सेल चैन मैंने किया, कितने रेट की लीडर है आप देखिए, 18,100 का ट्रेडिशनल है, बट 25,000 हो जाएगा, नहीं नवा नहीं देगा आपको। हर आदमी में एक न एक कला होती है, जो कला उसमें हो उसी को निखारे ये बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है, न्यूनतम आता है तो सबको पूरा करना चाहिए, और
अब देखो 335 वर्कर इनके टीम में है, इसमें महीने काम किए हैं वो वर्कर हैं 335 कलेक्टर हैं और 18 वर्कर की नई ज्वाइनिंग हुई है इनके टीम में। बहुत सारी ब्रांचेज में 18 वर्कर नहीं हुए होंगे, इनके टीम में 18 वर्कर हुए हैं। कोई सब नहीं है जिस तरीके का काम आप करते हैं, बेहद बेहद कंपनी है। अगेन बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। मनोज कुमार चौरसिया 20,000 रुपए का यह निश्चित प्रेस इन्होंने किया, बहुत बधाई आपको। सर एक तो वो कुछ रीइन्वेस्टमेंट में मिला के किया था, दूसरा सर वो माता जी को कितना किया था रीइन्वेस्टमेंट में? अलग अलग है सर, 2,00,000 कुछ की मिली थी उसी में लगा दी थी। 2,60,000 पर है बस उसमें टाइप कितना? यस सर 8,09,12,13 मतलब पूरा कर दिया था सर, दूसरा बिल्कुल फ्रेश इसलिए नहीं कर पाया था माता जी को कर195 वर्कर हैं इनके टीम में, 57 कलेक्टर हैं इसमें और 3 नई ज्वाइनिंग भी है। टीम का ट्रेडिशनल 83,30,000 है, एमसीसी 1,28,000 है, ब्लैक एमसीसी 9,000, लेडी 30 एंड 5,00,000 रुपया मंथली। थैंक यू वेरी मच सर, विश्वास की बहती धारा। इस बार हमारे रीजन से एक भी असर से मैं ऐसे नहीं बदली उन्होंने कहा कि नहीं सोच लिया है पूरा 100% बात करते हैं। वेस्ट एंड दिल्ली 2 रीजन ऐसे हैं क्योंकि आपके यहाँ भी केवल 8-10 लोग ऐसे जीत रहे हैं युवा टीम में है जिनको कोर्ट का नहीं हो रहा है। ऐसे हैं जो बाई दे इस महीने नहीं होगा, आत्मविश्वास की ताकत दिल्ली को भी एक प्रयास करना चाहिए, सचों का कोई ऐसा ना बचे जिससे कोर्ट में 20,000 रुपए का बचेगा क्या? बाकी सब लोग करना है मतलब निकलता है इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। ठीक है पाँच लोगों को करना है रिपोर्ट में आप फिगर नहीं निकल जाएगा लेकिन एक संदेश को जाएगा कि वहाँ का हर चीज में मामला 30,000 रुपये का फ्रेश एजेंसी है, 25,000 रुपये का ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल के बारे में जिसका कम है वो अचानक नहीं कर पाएगा। हाँ
उसके लगातार प्रोग्रेस को देख कर बताया जा सकता है कि वो प्रयास कर रहा है इस क्षेत्र में, उस बात को लेकर देखने की जरूरत है, उनका कोशिश किया गया सारा इंडिया परिवार कभी 20% कभी 15% का रेट वर्कर की भी बात किया जाए तो मैक्सिमम वर्कर ट्रेडिशन में इन्वॉल्व है, हर चीज फैमिली के माध्यम से किसी वर्कर उनकी गाइड को मांगे डिपाइटर की संख्या ट्रेडिशन जैसे है, वर्कर की संख्या ट्रेडिशन जैसे है, वर्कर की आय ट्रेडिशन जैसे है। देखो दो पक्ष है, एक पक्ष प्लान बनाता है, दूसरा पक्ष उसका एग्जीक्यूशन करता है। हम लोग प्लानर नहीं है, हाँ व्यवसाय को अच्छा करने के लिए जो काम करते हैं लोकल लेवल पर अलग की बात है, तो हम कर सकते हैं, करते रहते हैं, करेंगे, सभी के अच्छा होंगे अपने अपने ब्रांच के लिए, अपने फैमिली के लिए, कोई गलत चीज नहीं है। बट प्लानिंग इन द सेंस की नियम कानून बनाना, सिस्टम बनाना सारा इंडिया परिवार एक प्रबंधन का भाव विश्वास की ताकत, और प्रबंधन किसी एक क्षेत्र को लेकर नहीं, लेकर बट एक बात 100% सत्य है जो मुझे बार बार समझ में आती है और मैं बार बार आपसे कहता भी हूँ, कोई भी नियम कानून इसलिए नहीं बनेगा कि व्यवसाय को खराब, क्योंकि व्यवसाय सबको चाहिए, कंपनी को भी चाहिए, हम जो पा रहे हमारी आवश्यकता तो है ही है, बट संस्था को व्यवसाय खराब नहीं। हाँ आप ये कह सकते हो कि सामयिक कोई सिस्टम आया, कोई चीज आई, कहीं शूट किया कहीं नहीं किया, ऑलरेडी उसके बाद उसका पोस्ट विश्लेषण होता ही है, आवश्यकता अनुसार चेंजेस होते ही रहते हैं, कोई ऐसा चीज इंटरनली नहीं बन जाता है जिसको बनाने के बाद उसे लेना हो जाए, आत्मविश्वास की ताकत अगर आवश्यकता पड़ी। आज के तारीख में अगर सब कुछ ट्रेडिशन को देख रहा था या देख रहा हूँ, प्रबंधन को स्पष्ट दिखा कि मैक्सिमम 80% आप व्यवसाय ट्रेडिशन में आ रहा है, वर्कर मैक्सिमम आज के रेट में देखा जाए तो कलेक्टर, चाहे वो डेली का कलेक्टर हो या मशीन रेगुलर वर्किंग में भी आज की डेट में वही है, जगह जगह ऐसा पा जाएगा ओवरऑल लेवल पे देखते होंगे तो रेगुलर वर्कर का भी बहुत सारा रेगुलर डिपॉजिटर और रेगुलर वर्कर का भी पेमेंट हो गया, जबकि रेगुलर वर्कर एंड रेगुलर डिपॉजिटर क्योंकि परिस्थितियाँ वहाँ ऐसी बनी कि वो करना पड़ा या किया या वहाँ का प्रबंधक ने ऐसा किया। प्रबंधन की सोच ये रही कि हम क्यों ना हम सामने आए और ये बातें हो कि मैनेजमेंट ने ही ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें अब केवल रेगुलर वर्कर और रेगुलर डिपॉजिटर की प्राथमिकता होगी, अगर ये रेगुलर वर्कर है और ये रेगुलर डिपॉजिटर है तो पेमेंट प्राथमिकता में पेमेंट तो सभी का किया जाना है, करना ही होगा, लाइबिलिटी आपकी अपनी है कंपनी की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बट प्राथमिकता के तौर पर शहर की बात है। सबसे पहले इसी को लिया गया, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम आई पे इमीडिएट दो दिनों के बाद बहुत सारा चेंज किया गया, पता नहीं कितनी जानकारियाँ आपको है कितनी नहीं, बट उन सब चीज़ों को आज जान लीजिए। और वो परिवर्तन क्या किया गया, अब ऐसा कर दिया गया कि डेली मंथली यानी ट्रेडिशनल के व्यवसाय में कोई भी ऐसा वर्कर जो 6 महीने में 3 महीने इन्वॉल्व रहा हो, चाहे वो एनसीसी या मैसम जितने लोग काम कर रहे होंगे सर होंगे, 6 महीने में से 3 महीने में कभी भी कोई इन्वॉल्व रहा है, उस वर्कर द्वारा किसी भी प्रकार का अकाउंट, तो चाहे रेगुलर हो
कि रेगुलर हो, डिफॉल्ट हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर आप उसकी मेच्योरिटी मांगते हैं तो आप मिल जाएगी। क्योंकि पहले किया गया था केवल रेगुलर का, मैंने कहा ना कि आवश्यकता अनुसार ये चीजें चलती रहती हैं, बट लगा कि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 3-4 दिनों के बाद ही ये जब चीजें गई कि नहीं कुछ है, पता नहीं है, तो इसमें चेंजेस कर दिए गए। अगर ऐसे लोग जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, चाहे वो रिमोट के माध्यम से रह जाए के माध्यम से, अगर उनका कोई ट्रेडिशनल को कैसे किस हद तक बढ़ाया जा सके, कितना बेटर किया जा सके, उसमें एक बहुत बड़ा रोल सर्विस आस्पेक्ट है, आने रहा है, बाकी क्लियर कट है कि अगर ट्रेडिशनल का पेमेंट ठीक कर दे, ट्रेडिशनल के वर्कर ठीक हो जाए, तो 90% चीजें ठीक हो जाएंगी। और उस चक्कर में इस सिस्टम को ला के ये जो ट्रेडिशनल का वॉलेट अलग एंड एफडी का वॉलेट अलग किया गया, केवल मकसद कहीं रोकना नहीं है। पैसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 75% ही था, अभी 75% ही है, उसमें अलग कम या ज्यादा जा नहीं रहा, हटने की कोई बात नहीं है। केवल इस सिस्टम को लेकर ट्रेडिशनल को बेटर किया जा सके और वो वर्कर जो काम कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दिया जा सके, दो बातों से किया है। और ये परिवर्तन अभी पिछले 2 दिनों में हुए हैं, आपका हो सकता है पूरी तरह भी है, आपके यहाँ लागू है कि नहीं है, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो देखना पड़ेगा अलग अलग फ्रेंचाइजी से। बस इसके प्रोग्राम आपके हैं, आ चुके हैं और सिस्टम आ चुके हैं, और आप ऐसा करेंगे। पहली बातें हैं, दूसरी बातें हैं कि ऑन डिमांड आपकी एडवाइज आ रही है और इमीडिएट आ रही है। एफडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी एडवाइज आ जा रही है। एफडी में प्रॉब्लम केवल एक ही जगह अभी भी आ रही है, जितना मैं देख पाया हूँ, कि अगर कोई वर्कर एफडी का कोई आंशिक पेमेंट या पेमेंट डेली के अमाउंट से कराना चाह रहा है या मंथली के अमाउंट से करना चाह रहा है, वो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही एक प्रॉब्लम है। अभी इस सीमेंट के बाद बातें आगे भी मंथन तक है, उनसे क्या किया जा सकता है, उन जरूरों को अपनाया जा सकता है, तो कोई भी कर सकते हैं। अभी के हिसाब से यही है, बाकी चीज़ों में अब ये लगता है कि डेली मंथली को लेकर कोई प्रॉब्लम, हाँ शुरुआत में हो गई जिसकी वजह से। दूसरी बात है, जब भी कोई ऑल ओवर इंडिया के बेस से काम होता है, 2-4-5 दिन एक हफ्ता थोड़ा हमारी ये ड्यूटी है कि हम पहुँचाएं, उससे बात करें, करते भी हैं, वो तो एक अच्छी बात है। कुछ लोग बहुत जल्दी एकदम जैसे लगता है कि अब एकदम निर्णय हो गया, कुछ होगा ही नहीं, तो पता हो जाएगा, अरे भाई हमसे आपसे ज्यादा जरूरी है कंपनी को बिजनेस कराना, ज्यादा ना वो कराए नहीं करें, कोई बनी होगी, कोई नियम बनाया होगा पूरे भारतवर्ष को तय करके, क्योंकि सब दिल्ली ही नहीं है, आत्मविश्वास की ताकत, बंगाल भी है, आसाम भी है, बिहार भी है, सब मत होगा ये होंगे, और ये होंगे तो सबके हित के लिए किए होंगे, उसके पीछे कोई टेंशन नहीं होगा, जैसे वेटिंग फिर भी अगर कोई जरूरत होगी फिर बात किया जाएगा, तो किया ही जा रहा है। जब भी कारपोरेट लेवल से कोई डिसीजन होता है तो बहुत जल्दबाजी में आकर बहुत सारे निर्णयों में नहीं आने की कोशिश करना चाहिए, थोड़ा वेट करते हैं, हाँ ये प्रॉब्लम करके उसका समाधान। अभी का सेटअप आपके बीच में यही है, इसी हिसाब से आपको टोटल चीज़ें दी गई हैं और इसी पे वर्किंग प्लान ला, इसमें कोई बात हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई और चीज़ें हो आपकी,
उसको बताइए। पहले आया उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ, चेंजिंग भी हुआ हम लोगों ने एफडी वाले जमा करता थे उनको भी संभाला, वो बैलेंस नहीं कर रहे हैं, वो वही जमा करता है। आज उनके पास आरडी होना चल रही है और एफडी भी है, दे लीजिए, उनकी पेमेंटें भी होती है, लेकिन उन लोगों को एक कहा जाता है, समझाया जाता है कि आपकी 1,00,000 रुपए की एफडी की पेमेंट है भाई, एफडी वाली नहीं करा सकते, लेकिन कुछ कोशिश करता हूँ 10% 20% बहुत ज़्यादा हो तो करवा दिया जाए इस ब्याज पे, कि उतना वो भी अपने बलबूते पे, कि अगर मैं 5,00,000 6,00,000 रुपया टेंशन ला रहा हूँ तो हम 10,000 20,000 रुपये एफडी वालों को भी दे सकते हैं, वो भी कंफर्म हो जाएगा। 20,000 लेके 80,000 रुपये हमको देने तैयार है, लेकिन आज की जो परिस्थिति है पहले तो सारा कुछ खत्म कर दिया। MIS 10 तारीख को मैं एक जमा करता को 48,000 MIS देता हूँ, उसका 50,00,000 जमा सारा उसका रोजी रोटी मतलब खाना जो है उसी पे डिपेंड है, मैं पैसे भिजवा दूँ लेकिन अभी वाउचर नहीं मिला। आज एक जमा करता है एक हफ्ते लेके आया लॉयल्टी मॉर्निंग क्लास 75,305 रुपये इसकी बैलेंस थी, हमने इनसे पूछा कितना मिल सकता है, पहले 1,200 रुपया बैलेंस में है, हमने इसको 1,000 1,200 भी दे दूंगा तो संतुष्ट हो जाएगा, 72,000 की भी कर दूंगा तो, लेकिन 75 हो गया। जब मैं काउंटर पे गया हमने कहा एक काम करो इसमें से 305 रुपये निकाल दो, अरे 1 रुपया नहीं 0 है, वो आदमी ऐसे 12 सर्टिफिकेट फेंक दिया, 70 साल का आदमी, कर्म में क्या करूँगा, जब मर जाऊँगा तब मिलेगा। मैं अभी 23 तारीख को हमको चेक देना था MIS रेलवे के रिटायरमेंट के चेक नहीं गया, अभी 28 तारीख को ये जो 12,00,000 रुपया पिछले ही महीने 12,00,000 MIS मिला है, उसी पार्टी से 1,00,000 रुपया मांग के लिया 84 महीने के लिए, और कह के लिया हूँ कि अगर 1,00,000 दे दोगे तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, उसने जो कहा दे दिया, आज उसको हमको चेक देना है कल, 12 पैसा नहीं है, सर मुराते ही होने पड़े, उसको क्या जाके कहूँ कि कौन सा सिस्टम हो यहाँ पर, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट है आप मतलब जरूर क्या तो MIS रीजन में MIS अकाउंट में MIS के लिए बाध्यता नहीं है कि वो एफडी अमाउंट से निकले, आकर अरे सुनो तो भाई अगर आप कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे सामने रखिए, MIS के साथ ये आलोचना किया हुआ कि अगर एफडी वॉलेट में पैसा नहीं है तो जितना एफडी वॉलेट से कम हो रहा है उतना अमाउंट अगर ट्रेडिशनल वॉलेट जो है तो ट्रेडिशनल वॉलेट से उठा लेना, अगर उसमें भी नहीं है तो पहले भी नहीं निकल रहा था, अदरवाइज MIS को लेकर प्रॉब्लम नहीं है तो पहले भी खत्म कर दिया। इस समय चूँकि वॉलेट चेंजेस हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है किसी ब्रांच पे वो सिस्टम अभी ठीक से ना लागू हुआ हो तो वो अकाउंट को देख लेना होगा, उसे देखते पर सिस्टम में नहीं है सिस्टम को समझा हुआ है, हाँ हो सकता है कि आपके अकाउंट ठीक बात की है बल्कि MIS उठा दिए हम ठीक बात है नहीं राइटअप में लिखा था लेकिन उसमें था कि अगर MIS में पैसा एफसी में नहीं है तो उसको ट्रेडिशनल वॉलेट में नहीं निकल रहा होगा, केवल दिया जाता है उसको है उसको दीजिए। अच्छा अगर कहीं कहीं ऐसा है जो MIS रुका पड़ा है इसलिए कि आपके एफडी पैसा नहीं है ठीक है वो सिस्टम चेंज करते रहेंगे, कहीं अगर ऐसा है तो थोड़ा उसका डिटेल बना के एजेंट के माध्यम से भेजिए हमको, इस तरह से उसको उसको भिजवा दे रहे हैं जहाँ जहाँ दिया है उसको।
अभी टाइम मिल जाएगा, अगर 2 महीने 3 महीने बाकी है 6 महीने और मिल जाएगा, 10 महीने का स्पेस मिल जाएगा पेमेंट को देने में, उसका कोई व्यवस्था कर सकेगा या कंपनी की सिचुएशन ना हो सकता है, बहुत सारा परिवर्तन आ जाए। साथ ही साथ जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों को कुछ स्पेशल बेनिफिट भी उसमें जारी कर दिया गया, मतलब डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये था कि कार्यकर्ता जमाकर्ता का KYC कंप्लीट करा दीजिए और फोटो कॉपी लगा दीजिए, जो पैसा है उसका, उन दोनों को बना के मैं बना पा रहा हूँ। ताला ताली ताल मटोल का काम मत करिए, ये से हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, कुछ नहीं करिए। फ्रेंचाइजी फ्रेंच वर्कर अपने ब्रांच पे एक साथ जितने केसेज होते हैं इकट्ठा करिए, खुद आइए रीजन पे, एक लेटर बनाइए, उसकी समरी बनाइए, रीजन को रिसीव करा दीजिए। बहुत जल्दी है तो रीजन से भी रिमार्क लगवा के जेल पे जमा करा दीजिए, अगर नहीं है तो रीजन से जमा करा के पेपर वगैरह के साथ चेक एक बार चेक भी हो जाएगा कि क्या क्या काम है, क्या अधूरा है, वही सामने आधे घंटे बैठो अपने हिसाब की दबी हो फ्रेंचाइजी के मोड़ करना है ऐसा, क्योंकि एक आता है पता चला एक पेपर नहीं है, फिर वापस जाता है, फिर 6 महीना लग जाता है, हम सीए तो फिर 6 महीना हो गया, उससे काम नहीं होना है। वास्तव में सीरियस है काम के प्रति तो पूरा एक लिस्ट बनाइए, टाइम दीजिए, जिन्हें प्रोग्रामर होगा वहाँ का, आप वहाँ जाइए, ये सब चेक कराइए, उसको रिसीव करा के बनाइए, वो कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार दिसंबर में इसको खोला गया था, एक बार पहले और खोला गया था, अभी तीसरी बार खोला जा रहा है। अगर इस बार भी हम इसको जागरूक होकर कम्प्लीट नहीं कराए तो फिर हम रखते रहे कि प्रॉब्लम है। ऑनलाइन ये सिस्टम नहीं है, इसका पेपर जाना जरूरी है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन किया गया बहुत सारे चीज़ें इधर उधर हुई, फिर मैं भाई अप्रैल चलकर सेक्टर होकर पूरा कर लिया, अपने ब्रांच की कोई समस्या है कभी 40,000 के विषय चले जाइए, केवल ये पहले से नहीं होगा कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, आप प्रॉपर में ले जाइए, ठीक है, नहीं हो रहा तो पत्र बनाइए, कब कब दिए हैं, किसको दिए हैं, जिस समय दिन मैनेजर रहते हैं घर में फाइट दीजिए, शाम को 6 बजे चलिए, 10 बजे चलिए, 5 बजे चलिए, क्लियर कराओ भाई उसको। हाँ, एविडेंस के आधार पर होगा या नहीं होगा वो क्लियर हो गया। ये ऐसे ही ट्रांसफर भी रुकते हैं, ऐसे ही इन्वेलिड एडवाइस रुकते हैं, ऐसे ही फीस उठती है, अभी केस में देख रहा था तो आदि वो सर जनवरी में दिए थे, सिटी होम का मैटर अभी तक काम नहीं हुआ, तो रिन्यूअल जमा करता है इसे कोई और नहीं मिलता, क्योंकि एज ए प्रमोटर काम ये CFM अगर रिन्यूअल जमा करता है तो कमीशन बना तो प्रमोटर ट्रिब्यूनल के CFM पर हुआ, क्यों, इसलिए कि उस CFM को ये मान्यता दी हुई है कि वो केवल प्रमोटर नहीं है, वो टीम संचालन का काम कर रहा है, और जब टीम संचालन का काम कर रहा है तो टीम के किए गए काम को उसे लाभ मिल ही रहा है, तो हमें किए गए काम पे भी उसको लाभ मिलेगा, अदरवाइज तो काम दोनों एक ही बराबर कर रहे हैं। तो अगर केवल प्रमोटर का ही काम हमने किया, एज ए टीम लीडर हमने कोई काम ही नहीं किया, हम एक टीम भी नहीं रह सके, वो आप नहीं है हुआ था अनपेड की लिस्ट आपको भेजी गई थी, उसका उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि आप काम करते हो, इतना आपको ध्यान में नहीं है किसका हुआ किसका नहीं हुआ, तो अगर लिस्ट वगैरह सामने होती है तो थोड़ा हेल्प मिलता है, या बहुत सारे ऐसे भी वर्कर हैं जो वर्किंग नहीं करते हैं, कोई बहुत एक्टिव वर्कर है तो उसको लेके वो भी कोऑर्डिनेट कर लेता है, मकसद सीधा होता है कि जो भी रिन्यूमेंट वगैरह करा सकते हैं उसको कराने का प्रयास करें, वो आपको ऑलरेडी दिया है। मंथली का डिफॉल्ट अकाउंट दिसंबर शुरू किया गया था,
दिसंबर से लेके मतलब जुलाई तक कम होते हैं। दिसंबर में बहुत सारे लोग मंथली अपना फोन पे कर दिए थे, इसलिए कि कंपटीशन में पहली बार आया था कि 2,500 रुपये करना वर्कर का ही है, उसको एक बार चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि करंट का है, वर्कर भी होगा डिवाइडर भी होगा, वो पुराना नहीं है। इसी दिसंबर से लेके जनवरी जनवरी फरवरी से लेके जून तक का है और वो बहुत हैवी अमाउंट है, उसे कर लिया जाए तो हमको लगता है बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा क्रेडिटों से। सेल्स मैनशीप में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है खासकर फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंतर्गत चेंजिंग का काम। जो चेंजिंग करना जितना अच्छा जानता है ना आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए देखिएगा कुछ ट्रेजरी का वर्क बहुत अच्छा होता है, ऐसा थोड़ा कुछ अकेला काम करते हैं, कोई पे नहीं काम करना है, चेंजिंग उनकी फास्ट है। किसको कब क्या चेंज करना चाहिए, किससे क्या बात करना चाहिए, आप 4 घंटा केवल स्पीच दे दो कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रैक्टिकल बातें करो, एकदम वन टू वन बात करो, जिस व्यक्ति का जो रिलेशन है उसके बात करो, उसको लगता है समझ में आता है, किसी को 2 रुपये का फायदा हो सके तभी वो इन्वॉल्व हो, और 2 रुपये का फायदा नहीं दिला सकते आप ऐसी बात करते रहो कोई मतलब नहीं है। ये मंथली का डिफॉल्ट अकाउंट कोशिश करिए कोई ब्रांच ऐसी न बचे जिस ब्रांच में डेली या मंथली के 25 से कम अकाउंट हो, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए आपके यहाँ, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए कि डेली मंथली के 25 से कम अकाउंट नहीं होने चाहिए। आपका एक ऐसा रीजन है जहाँ ऐसे फंड का कमीशन एकदम अपडेट रहता है, रीजन को कम से कम इस बात के लिए धन्यवाद दिया करो। विश्वास की बहती धारा सारा इंडिया परिवार आत्मविश्वास की ताकत नहीं होता है तो कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले अपने अपने को ले जाते हैं, हाँ अब किसके हैं ये आप जानते हैं। और एक कम से कम बहुत और 2 बातों पर मैं बार बार केंद्रित करता हूँ कि ब्रांच का आय को देते हैं वोट परिवार कभी भी प्रयास करें जब भी मीटिंग सेटिंग हो उत्साहित माहौल हो। केवल मीटिंग का मतलब यही नहीं होता है कि हिसाब किताब हो, मीटिंग का मतलब होता है कि एक दिन कम से कम सब लोग मिलते जुलते हैं, थोड़ा चाय नाश्ता पानी करते हैं, आपस में बातचीत होती है, शेयरिंग हो जाती है, शब्द भी होता है तो हो सकता है कि आपस में शेयर करके थोड़ा कम हो जाता है। देखना जब किसी एक की प्रॉब्लम होगी ना हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं हो रहा, उसके बगल वाला बोले अरे यार हमको ठीक हो गया था नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़ा एकदम राहत मिल जाती है। अरे हम तो क्यों नहीं कर सकते, तो 3 महीना वाला तब एहसास हुआ था कि कमीशन क्या होता है, तब मिल जाता है मैंने आगरा के साथ मीटिंग, अब वो आते हैं सब मीटिंग में सबकी हर बार होती है लेकिन अब आपने जबकि अमीरा बहुत खुश अब उन लोगों के लिए कमीशन मिल जाना ही बहुत बड़ा काम है, समय की बात हुई थी कुछ देश की मुस्लिम को पेमेंट को बताने वाला मैं बहुत रिएक्ट किया आत्मविश्वास की ताकत कि नहीं हमको नहीं जरूरत है जिसको करना होता है हमको इस बात से तो बोले कि क्या वो दिल्ली अलग रहेगा क्या हमसे अलग रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कुछ जवाना है तो हमको जवाना है हमारे प्रॉब्लम नहीं होगी हमसे क्या प्रॉब्लम है
ये तो 3 महीने की बात कर रहे हैं, हमको 3 साल से पेमेंट नहीं दे पा रहा है। 3 साल से नहीं मिल रहे हैं, 3 महीने और डिले कर देंगे तो क्या होगा? कहते हैं ये आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। अलग अलग सिचुएशन थे, बट उनको सोच के क्या लगता है, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी बात नहीं, हम क्या खड़े हो जाए? एक छोटी सी चीज़ है उसको लेकर के, एक छोटी सी बात है उसका समाधान होगा ना? अभी एक हफ्ते के अंदर मैनेजमेंट इतना चेंज किया ना, किसी का एडवाइस ये नहीं निकल रहा था, केवल एप्रोवर्टर का एडवाइस निकल रहा था। कितना बड़ा चेंजेस किया, 6 महीना में भी कभी कोई काम किया है 3 महीना, उसको कोई भी एडवाइस है उसको निकाल दिया। आज की तारीख कौन सी है? 28। एक धनतेरस ऑफर पे दिख रहा था, सहारा युवा 5 अक्टूबर से पहले 2499 के साथ बुक करें, वाहन पर 5000 का विशेष लाभ और 3499 मूल्य के बाउचर तथा सहारा युवा क्लब की सदस्यता प्राप्त करें। तो आपके पास आया होगा कंप्लेंट और फार्म भी आया, मिलते हैं और ये बहुत ही ये दिल्ली है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। और आपको ये भी पता ही होगा कि सारा युवा का टाइप हुआ है हीरो सर जी, सब प्रोवाइड करेगी हीरो, बट अंतर ये होगा कि हीरो से लगे तो ये जो छूट मिल रही है आपको नहीं मिलेगी, सारा के माध्यम से लगे तो ये छूट आपको मिल जाएगी। हाँ, और साथ ही साथ जो कमीशन वगैरह है ये आपको मिल जाएगा। ये बुकिंग का टाइम भी दिए हुए हैं कुछ ही समय के लिए है, 5 अक्टूबर से पहले 2004 तक। ये 2 गाड़ियाँ आके जोन में डिस्प्ले हुए हैं क्योंकि हर जगह जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, हीरो शोरूम में तो कही जाएगा तो मिल जाएगा, आ गई है आ जाने वाली थी, आ जाने वाली थी कुछ जगह तो आ गई थी। अब गवर्नमेंट की सब्सिडी की बात तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि देना होगा तो अलग से देंगे, इससे तो नहीं बताएंगे क्योंकि ये छूट में नहीं दे रहे। अगर ये जानकारी भी देना सर तो आज बात कर लेंगे, हमको नहीं लग रहा है 5000 की वहीकल है, 10000 छूट हो गए, इसके बाद 2.5% कमीशन हो गए, 3500 का वाउचर भी अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी दे दिया जाए 5500, तब फिर यहाँ जो है सो 3500 अलग मिल रहा है, 3400 वो 8000 वाउचर मिल रहे हैं, बट ये बुकिंग 5 अक्टूबर तक ही होनी है, करना चाहिए। और अच्छी बात है कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो
जहाँ सबसे कम पैसा मिलते हो हल्ला मचा रहे थे सत्तर की बुकिंग वही सब कर दी है जिस लोगों ने वो आगरा के ही सब कर दिए और सर होगा जी बुकिंग हाँ हम लोगों को एक सेल्स का फायदा मिलेगा हल्ला मचे ना सारा सारा तो करते हैं सारा इलाज के नाम पर वो एक बहुत बड़ा काम हो गया वो एक फायदा होगा कि हीरो करेगा हो सकता है कि उसी के स्वरूप से आपको मिले भी मिले भी मिले वो ये तो उसे कार्ड भी दे देंगे तो आपको एक फाइनल कार्ड देंगे जिसको भी क्या चाहिए सबसे पहले बुकिंग पे ध्यान दीजिए आप विश्वास की बुकिंग करना है दो मॉडल में तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत है लेकिन ये भी ध्यान देना बुकिंग के बाद अगर कैंसिल क्या है कटौती है बुकिंग के बाद अगर कैंसिल करा तो कटौती है मतलब आपकी ब्रांच में ओपनिंग हो चुकी है वही ना बाकी उनका रमेश जी का नंबर होगा तो उनसे पूछिए क्योंकि वो यही काम कर रहे हैं पूरे एरिया होटल मॉडल हाँ उनसे बात करिए जिसके यहाँ ज़्यादा बुकिंग का हो जरूरत तो बुला लीजिए वो बता देंगे समझा देंगे आप बिल्डिंग को भी मालूम होगा वो तो है फाइनेंस में सर कम से कम भी पच्चीस तीस तो मरे फाइनेंस में उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंस हो जाएगी जैसा बता रहा है चलो उसको बात की है ये लोग करवाए थे इक्यावन तक की प्रयास अरे वाह बताइए पच्चीस रुपये को छोटे का लड़ा बना था जिसने 25 से ऊपर की बुकिंग हो सके सारा इंडिया परिवार आत्मविश्वास सर का सानिध्य में शिक्षा दीक्षा इतना मिलता है कि हम सोच के आते हैं सारी प्रॉब्लम और वो बड़ा इतना अच्छा तरीका से सर समझाते हैं कि उसको हम लोगों को लगता है कि अब खत्म हो गया मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कभी सर बता रहे थे कि कोई जुनून से साहब थे उन्होंने कहा कि आराम से बैठे थे यार आप लोग आप इतना प्रॉब्लम बात कर रहे हो हमारा तो इससे बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ठीक इसी तरह से राजेंद्रा प्लेस में मैं था और 3.5 साल तक एक पैसे नहीं दिए और वहाँ इतना रोड था उसके बावजूद भी कोई भी यह संबंध नहीं था कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं हुआ इसके गवाह योगेश जी जब आप ठान लेंगे तो होता है आप देखिए चेंजेस क्या होता है जब घोड़ा का समय था जानवर का समय था जो हॉटस्पॉट नापा जाता था जब इंजन आया था तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे उसमें उन्होंने कहा ये चलेगा नहीं जब भी कोई बदलाव आता है तो ऑब्जेक्शन उठता है लगता ही होगा नहीं आज देखिए घोड़ा कहाँ चला गया और इंजन कहाँ चला गया आप जानते हो तो जो भी सिस्टम आता है थोड़ा देर के लिए दिक्कत जरूर होता है लेकिन उससे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का सोच है और हमारा काम स्मूथ होता है ये तो आप देख लीजिए सबने उसका एग्जाम्पल भी दिया सारा चीज सर ने बताया मैं आपको बताऊँ 28-29 साल हो गए हमको सहारा में ही दिल्ली में
और जब हमने ज्वाइन किया था तो 5 ऑफिस था, और आदरणीय डीके सर भी आते थे, साहब आते थे, तो हम लोग हमने अपने हाथों से काली पीली टैक्सी खोल के सर को बैठाया। ये कितना चेंजेस है, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं वही बता, एक आदमी हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहा, जिसको देख पूछे क्या हुआ, बोले टीवी हुआ। बोला यार पागल आदमी हो, तो मिठाई बांट रहा। पहला डॉक्टर जो ने कैंसर बताया, आप समझिए बात को, हमने तो बहुत नजदीक से देखा, रंडा प्लेस से, और कश्मीरी गेट में जब मैं बैठा तो चौधरी जी गवाह हैं और हम चौधरी जी मिल ठाकुर साहब हुआ कि यहाँ पे मिठाई पुल की पार्टियां जो है झूठ बना के आती, और आए दिन आई नहीं, आपको परेशान करते हैं। हमने कहा रोज हमने 100 झेला है, अब तो 5 आ रही है, और आज हम लोगों ने मेहनत करके आज सबको मार्केट में ये बात कर दिया कि नहीं, अब बातें सुनी जा रही है, पैसे भी मिलता है, मिलेगा, और हम आराम से बैठे हैं काम पर। तो कभी भी चेंजेज आता है तो आदमी को एकदम परेशान नहीं होना चाहिए, सुनना चाहिए और वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो सर ने जितना स्मूथ समझाया, सारी बातों को बताया कि आप पेशेंस रखिए, आपसे ज्यादा जरूरी है ढंग से कंपनी को इस काम होता रहे, तो सारा प्रणाम करिए। हमारे मंडल प्रमुख महोदय मंचा सिंह अजय डोबरा जी, और आज की सभा में उपस्थित समस्त कर्तव्य साथियों, लगभग 3 घंटे समय पूरे हो चुके हैं, और चूंकि आपके वेस्ट दिल्ली रीजन के समस्त वरिष्ठ साथीगण के साथ माननीय महोदय का सानिध्य और मार्गदर्शन मिला, ये तो देखो आज सर ने अभी कहा भी है कि जब हम लोग मीटिंग में बैठे तो पूरे एहसास भाव के साथ बैठे, और चूंकि मैनेजर की ये टीम है और ये 50 लोगों की टीम पे आप देखिएगा तो बहुत बड़ा संचालन लगभग 2000 लोगों की नियंत्रित होती है। और जितना कुछ मैं हमेशा आप लोगों से भी करता हूँ, आपसे भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करता हूँ, आदरणीय सर का जो सानिध्य मुझे लगता है कि ब्रांच मैनेजर कैडर से लेकर के और अभी तक बीच में कुछ दिन के लिए ब्रेक हुआ था, बट देखा जाए तो जो कुछ सीखा हमने सर का ही सानिध्य और सर का ही आशीर्वाद है। और शब्दों में तो मैं हम लोग अपने अभिभावक को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आप भी महसूस करोगे जब समय बीत जाएगा, बीत जाता है, जितनी सहजता के साथ मुझे लगता है कि आज प्रॉब्लम की भी बातें हुई और एक एक कार्य को भी लेकर के समीक्षा हुआ, आप लोग तो मतलब बहुत कम लोग हैं जो सर से डायरेक्ट बात कर लेते होंगे या पहुंच पाते होंगे, बट आपसे बहुत कम हम लोग भी कोशिश करते हैं सर से बात करने के लिए। मतलब जब कोई ऐसी बात आती है तब जाकर के सर के पास फोन करते हैं, और जब उधर से रिप्लाई जब मिलता है बड़े सहायता के साथ सर के द्वारा एक शब्द मिलता है, और वो इतना एनर्जी का काम करता है, बिलीव नहीं करोगे यार। आज मेरी ये टीम बैठी हुई है, आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ और अपने अभिभावक का जितना धन्यवाद हम लोग दे सकते हैं, उठ करके एक बार चेयर से खड़े हो जाइए और जोरदार तालियों से बहुत सारी चीज सर से बात करने के बाद लगता है कि प्रॉब्लम ही नहीं, आत्मविश्वास की ताकत, चाहे वॉलेट की बात आ जा रही है या किसी भी प्रकार का समस्या आपने भी देखा होगा, त्वरित सर तुरंत मुख्यालय में बात करके बहुत सारी चीजों को तुरंत उसका निष्पादन कर देते हैं। और ये केवल हम ही लोग ही नहीं होता है,
आप सोचने की कोशिश कीजिए, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे बहुत सारी समस्याओं को समाधान होता है। नहीं, मैं ये बात इसलिए उठाया हूँ कि आज वेस्ट दिल्ली रीजन के कमीशन की बात हो रही है, ऑल सीनियर के कमीशन की बात हो रही है। मैं तो यहाँ तक भी आपको कहना चाहता हूँ, आप ही सभी का देन है, आप सभी का परिश्रम है, एक एक साथी उसके धन्यवाद के पात्र है। पूरी टीम जो नीचे तक बैठी हुई है, चाहे एक रुपये का सहयोग देती है, वो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र है। आपका कमीशन भुगतान होता ही होता है, आपके रीजन पे आईसी तक का भुगतान हो चुका है। अभी पिछले में तीन दिन पहले 24 लाख रुपया केवल आईसी भुगतान के लिए दिया गया है, और वो सब जानते हैं उसका देन कौन है। सर, उस चीज को जितना आसानी से करा देते हैं, मुझे लगता है, मैं इस बात को इसलिए आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि समझने की जरूरत है। आज वेस्ट दिल्ली रीजन को आशीर्वाद किसका मिला हुआ है? अपने अभिभावक का ही तो मिला हुआ है, आप सभी लोगों को। और आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है, आप भी महसूस करते होंगे, और मैं तो पूरा इस चीज को लेकर गर्व महसूस करता हूँ। तो नो डाउट हम लोगों को कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, और एक दो क्योंकि सारी बातें सर सिलसिलेवार ढंग से आपके बीच में रखा है। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि वरिष्ठ की भी अपेक्षाएं होती है, और ये वरिष्ठ वर्ग बैठा हुआ है, तो हमारे वरिष्ठ कौन है? हमारे आदरणीय सर जो सामने बैठे हुए हैं। तो ये हम सभी का भी कर्तव्य बनता है भाई कि हम लोग क्या परिवार, मतलब हम आसमान को छू चुके हैं, ऐसा तो नहीं। कुछ ऐसा किया जाए ना कि जिसमें मतलब आप केवल जोन नहीं, जोन से भी ऊपर, और पुनः हमारे अभिभावक का सानिध्य मिला है, इसका पूरा एक एक निचोड़ जैसे कहते हैं ना, कि नीचे तक पहुंचाया जाए। और मैं कुछ पॉइंटों पे थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान दिलाऊंगा। उट 11,000 वर्कर दिल्ली जोन में काम कर रहे हैं, जो सबने अभी बातचीत किया, और उसमें एक ऐसे वरिष्ठ का भी नाम आया जो कहते हैं ना जैसे कैप्टन, तो कैप्टन भी हमारे टीम में है ना। और वो कौन है? राजीव शाह जी का नाम आप लोग सुने ना अभी। तो ऐसे तमाम कैप्टन यहाँ बैठे हुए, एक व्यक्ति का 11,000 कार्यकर्ताओं में अगर नाम आ रहा है कि वो टीम का संचालन, चाहे एक एक कार्यकर्ता को लेकर के जो प्रयास, जो तरीका, जो मतलब गतिविधियां उनके द्वारा किया जाता है, सारे का सारांश और निचोड़ एक शब्द में आ जाता है उसका, और वो सिर्फ होता है 6 जून, जो राजीव शाह जी के द्वारा व्यक्तिगत मैं भी 8-9 वर्षों से देख रहा हूँ डायरेक्टली, जितना इन्वॉल्वमेंट के साथ, मतलब एनी टाइम जुझे रहते हैं। 11-12 बजे तक भी हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो लगभग उनका मैसेज कोई ना कोई टीम के प्रति कुछ ना कुछ चीजें, वो सब चीजें होती रहती हैं। ये पूरी टीम बैठी हुई है, हम पूरे टीम मिल करके एक बेस्ट दिल्ली रीजन बनेगा अगर सब लोग जागरूक हो जाएं, सारे लोग जागरूक हो जाएं, तो कुछ चीजों को हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आज एक टीम में 18 वर्कर की ज्वाइनिंग हो जाती है, 10 वर्कर की ज्वाइनिंग हो जा रही है, पर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा एक सेंटर प्रमुख, एक सर्विस सेक्टर में बैठने वाला व्यक्ति, मैनेजर लेवल का व्यक्ति 5 वर्कर की ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप में ये सब विषय हैं, सोचने की जरूरत है। हम एक सर्विस सेंटर पे एक कलेक्टर नहीं बना पा रहे हैं, एक टीम में 5 या 7, 8, 9 कलेक्टर बन जा रहे हैं। आत्मविश्वास की ताकत है ना, ये सब कहीं ना कहीं अपने स्वयं का मूल्यांकन करने का एक विषय। आज सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग मतलब दिल से लगा लें और दिल से लेकर के इस पे काम करें, तो बेस्ट दिल्ली रीजन अपने आप सर के सानिध्य में पता नहीं किन ऊंचाइयों को छुएगा, ये इसकी अभी कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो मैं जितने सीनियर यहाँ बैठे हैं सभी लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, एक टीम में अगर 129 कैरेक्टर बन सकते हैं, तो आपके टीम में 5 कैरेक्टर क्यों नहीं बन सकते हैं? ये सोचने का विषय है, और सिर्फ इस पे काम करने की जरूरत है। समस्याएं देखिए, अभी जो जितनी चर्चा हुई है और जितनी सहायता सर ने आपको जवाब भी दिया, ये तो समाप्त हो जाएंगी, आज है कल नहीं रहेंगी।
पर जो चीज हमारा अपने हाथ से निकल जाता क्या वो वापस आएगा? तो ये विचार कीजिए, क्योंकि ये समूह बैठा हुआ है और इस समूह के अंदर बहुत क्षमता है, बहुत क्षमता है। मैंने जो अब 3 साल 3.5 साल में अनुभव किया है, आप सभी में बहुत क्षमता है। तो एक चीज तय करो, जैसे 25,000 रुपए की बात हुई ना, ट्रेडिशनल 25,000 रुपए, और 20,000 रुपया क्योंकि दिल्ली रीजन ने कमिटमेंट किया है, पर पूरा 100% बेस्ट दिल्ली रीजन की टीम ही करेगी। ये मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूँ सर को, अगर आप आश्वस्त कर रहे हैं तो थोड़ा जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपकी। पांच छह लोग क्यों सवाल के घेरे में क्यों लाने चाहिए? क्या 20,000 हमारे लिए बहुत बड़ी है, मतलब ऐसी रकम है कि जो असंभव है? सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर किसी हमारे वरिष्ठ साथी को ऐसा लगता है कि 20,000 बहुत बड़ी रकम है, तो मैं कहना चाहूंगा वेलकम है आपकी, आप हमारे साथ बैठिए, एक दिन रीजन तक आइए, एक घंटा बैठिए, आप चाय पीजिए मेरे साथ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, 20,000 रुपए आपका होगा। कैसे नहीं होगा, ये सवाल तो अपने आप में है। ऐसा क्या है भाई जो व्यक्ति खान ना हो? अगर किसी को लगता है तो मैं कह रहा हूं, चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बट आप आइए मेरे साथ बैठिए और बैठ करके हम उस चीज को समझते हैं। लेकिन ये 100% हम लोग डन कर दें इस सितंबर महीने को लेकर के। आप में से बहुत सारे लोगों को देख रहा था, अभी सर बोल रहे थे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। आप बताइए, मैं लास्ट में जब 30 तारीख होता है उस समय एक एक सदन को सूचना देता हूँ कि आपका 20,000 रुपया नहीं हुआ है, आपका 500 हुआ है, आपका 5,000 हुआ है, उसके बावजूद भी ये स्थिति। तो आज कुछ तय कर दो, मतलब इस टीम को कितना आगे ले चलना है। आज 18-19 लोग काम कर रहे हैं, हम 2,500-3,000 तक पहुंचे। और माननीय सर ने एक और आप सब्जेक्ट दे दिया है हम लोगों के लिए, क्योंकि 500 टेबल्स की बुकिंग करनी है ना, असंभव है क्या? 2499 रुपए बुकिंग अमाउंट है ना, असंभव है? जहां 2,000 लोगों की संख्या है कुछ भी असंभव नहीं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है कि आप उसकी लिस्टिंग करिए, सूची बनाइए और एक एक व्यक्ति से बात करिए, बुकिंग कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 500 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन उस बुकिंग से हो सकता है बहुत बड़ा फायदा भी हो जाए। तो ये किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इस पे इसको भी काम करना है। सेकंड नंबर पे आओ, आपका बेस्ट दिल्ली रीजन एक चीज में कहने के लिए रह जा रहा है, किसमें? और अंतर कितना रह जा रहा है? मात्र 17,00,000 रुपए। सारा इंडिया परिवार नहीं, देखिए केवल भाव 5-10 मिनट के लिए लेके मत जाइएगा। मैं सर से थोड़ा सा क्षमा चाहते हुए, चूंकि समय काफी हो गया है, बट मैं चाहता हूँ कि आज कुछ तय करके उठा जाए। ये ठीक बात नहीं है जब सब में आज पीछे हो जाना पड़ रहा है। तो ये हम आज अपने पूरे वरिष्ठ टीम के साथ चाहता हूँ कि आज ये दिल से लेकर के भाव जाइए और पूरे तन मन दिलो दिमाग से एकदम लग जाइए, सब कुछ पॉसिबल है। और हम लोगों में तो इतनी ताकत है भाई, फ्रेश इतना निकाल सकते हैं, 2,000-5,000 रुपए के लिए चेंजिंग कर दिया जाए तो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? टीम, मैं और बंदूक पिस्टल सब रहते हुए हम मैन पावर नहीं है, तो जो मर्जी आएगा वही हिला के चला जाता है। लेकिन आपको कोई हिला सकता है क्या? है कोई रीजन हिला सकता है भी? सबसे बड़ा मैन पावर आपके पास है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे इस बार खत्म करें। एग्री है आप लोग? या तो नंबर 4-5 पे चलते हैं हम, ये 2 नंबर क्या है, ये नहीं होगा। और आप वरिष्ठ लोगों से, सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि 5 वर्कर
अपने टीम से, क्योंकि एसएफएम एंड एवा वर्क बैठा हूँ, तय करो भाई, जिद करो, जिद से हर कुछ संभव है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। आज राजीव शाह जी की बात हो रही है, नवबहार जी की बात हो रही है, श्यामू मौर्या जी की बात हो रही है, या विनोद झा जी की बात हो रही है, क्या ऐसे धुरंधर और लोग नहीं बैठे हैं? सारे लोग, हमको लगता है कि सारे लोगों में ऊर्जा बराबर है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एहसास करने का। और एहसास करके जाइएगा तो ये पांच वर्कर, एक सीएफएम और एसएफएम कैडर से ऊपर के व्यक्ति के लिए पांच वर्कर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इससे देखो, बूंद बूंद से कहते हैं तालाब भरता है ना, ये प्रत्यक्ष और प्रमाण है। आज कलेक्टर को हम लोग फोकस नहीं किए होते, कलेक्टर पे जीत नहीं किए होते, तो शायद आज हम लोग की जो पहचान बनी हुई है ना, और बहुत सारी चीज जो सर से हम लोग मांग लेते हैं और सर बहुत इजीली दिला देते हैं, उस चीज को कुछ भी संभव नहीं है। आज आईसी तक का भुगतान आपके यहाँ रीजन पे एक एक रुपए लोगों को पेमेंट हो रहा है, और वो जितना श्रेय जाता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं, एरिया के साथ भी रहे हैं, सब कुछ संपन्न उस समय भी हम लोग थे, भूलिएगा नहीं, लेकिन वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा। तो मैं तो जितना महसूस कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि भाई आप भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आसानी से आप अपने को देख रहे हो ना, और अपनी टीम को देख रहे हो, उसका सारा का सारा देनदार उदाहरण के रूप में हमारे अभिमान बैठे। तो हम लोग कुछ कर सकें, बेहतर करें, और पांच वर्कर के लिए हर सीनियर इस बात को सोचे कि भाई पांच वर्कर, क्योंकि टीम ही हमारी पहचान है। आज से बात जितना मर्जी मजबूत कर लो, पर एक ना एक दिन जाकर के हो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में क्रिएट होता है। और बहुत सारे उदाहरण है, सर के सानिध्य में ही विवेक झा के, आर के श्रीवास्तव जी का नंबर, नाम आप लोग सुनते थे जब जोन लेवल की मीटिंग होती थी, तो नंबर टॉप पे, नंबर वन पे पोजीशन उनका हुआ करता था, पर कहीं ना कहीं टीम का ध्यान नहीं दिए, और आज स्थिति क्या हो गई, आर के श्रीवास्तव जी की कोई पहचान कहीं नहीं रही है, किसी रीजन तक नहीं रही है। तो टीम से ही हमारी पहचान है, इस बात को हमेशा सोचने की जरूरत है। आज ये वेस्ट दिल्ली रीजन की टीम मजबूत नहीं होती तो होते क्या, तो समझने की आवश्यकता है। हर एक एक व्यक्ति यहाँ वरिष्ठ के रूप में बैठे हो भाई, आज इस बात को इसीलिए उठाया जा रहा है कि आप जरूर सोचिए, एक कार्यकर्ता शुरुआत करिए, बट करिए। 25,000 माननीय महोदय ने ट्रेडिशनल का आधार दिया है, ये भी हम चाहेंगे, जितने लोग जितने हमारे साथी हैं, ये सब लेकर के हम लोगों को इस पे जुड़ दस्तर पे काम करना है, ताकि अगली बार से जब मीटिंग हो ना, तो मैं सर से परमिशन लेते हुए और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सर आप दो रीजन का एक साथ मीटिंग, क्यों, क्योंकि अगले महीने से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये, ताकि कंपेरिजन का असली फायदा वहीं पे होगा जब आपको वहां पर तुलना की जाए। तो कम से कम वहां पे जब मूल्यांकन हो, तो ट्रेडिशनल हो चाहे एनसीसी हो, ये टीम कहीं से भी किसी पे न माइनस न प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद किया जाए पांच वर्कर की प्रयास शुरू करेंगे आप लोग, और 25,000 रुपया ट्रेडिशनल साथ में तय किया गया है। क्वार्टर मीन क्लोज हो रहा है, सर ने बात करी ली है, बट मैं इसकी रिपोर्ट मंडे को आपको दे दूंगा, मोटिवेटर एंड एवर, एक क्वार्टर मीन में जो ट्रेडिशनल नहीं कर पा रहे हो तो उसमें क्या क्लाज है, डेढ़ गुना एनसीसी कर ले। तो इसको भी आप कोशिश करके, ये तीनों तरीके से हम रिपोर्ट बना के भिजवा देंगे आपके ब्रांच पे, पूरी तरीके से इसकी चेकिंग कर लिया जाए। द्वारा किया ही गया है, क्योंकि दो तीन पॉइंट है मेन जो हम लोगों को ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा हम रेगुलर आप लोगों से बात करते हैं, प्रयास भी करते हैं, वो लास्ट बात ये है कि भाई जो समूह आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो रिपोर्ट भी रेगुलर हम आपको देते हैं, पुनः आपको कल परसों दे देंगे। अभी तक जिन साथियों के द्वारा एक सिंगल अकाउंट तक नहीं खोला गया है,
उनकी भी रिपोर्ट आपको मंडे को मिल जाएगी। और सब लोग ईमानदारी से इस बात के लिए प्लीज संकल्प होइए कि यार वो भी हमारा जुड़ा हुआ अभिन्न अंग है और थोड़ा थोड़ा ही हम प्रयास करें, एक खाते की आदत उसको डालें। इससे ऐसे करने से क्या होगा, आपका जो अभी 25 नंबर ऑफ अकाउंट 25 की बात माननीय महोदय द्वारा तय किया गया है ना, कि कोई भी ब्रांच या कोई भी सेंटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके यहाँ डेली और मंथली का कम से कम 25 खाता ना हो। तो हम लोग तो बेस्ट डिवीजन से जुड़े हैं ना, 25 खाता अलग अलग हम लोग करने का प्रयास करें, 25 खाता डेली और 25 खाता मंथली, एक मतलब कंबाइंड करके नहीं, हम सब पर सेंटर के प्रयास करें। आप अपनी पूरी रिपोर्ट निकाल लीजिए, अगर उसमें कोई सपोर्ट चाहिए हमसे रीजन से रिपोर्ट की तो ले लीजिए, बट ये प्रयास हो कि अगली बार जब सर मूल्यांकन करें तो उसमें ये रिपोर्ट जरूर मिले कि प्रत्येक सेंटर पर 25 अकाउंट डेली और 25 अकाउंट मंथली कम से कम किया गया है। ये तभी जाकर पूरा होगा जब एक एक वर्कर की चेकिंग आप कर पाएंगे, एक एक कार्यकर्ता को आप एनसीसी में इन्वॉल्व कराएंगे, तब जाकर के ये संभव हो पाएगा। यानी इसका भी मूल्यांकन हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, 100% कोशिश किया जाए कि हर कार्यकर्ता जो मेरे टीसीसी में 10 रुपया भी दे दिया है तो उसको कम से कम हम एक खाता जरूर बनवाए। सर से मैं मतलब इसके लिए आदेश भी दूंगा कि सर इसका भी मूल्यांकन अगली बार मीटिंग में जरूर किया, इसलिए कि ये बहुत आवश्यक है, वो वर्ग हमारे में विश्वास करके हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और ये रेगुलर मैं अपनी टीम से बात करता हूँ, आप सभी के माध्यम से ब्रांच में मीटिंग जो होती है उसमें भी हर जगह ये बात करता हूँ कि उसका कोई दोष नहीं है, जरूरत है कि वो हमारा छोटा सा बच्चा है, पहले उसको उंगली पकड़ के हम चलाना सीखें। तो उम्मीद करें हम आप लोगों से, केवल ये सर कहने के लिए नहीं अनिल जी, ये पूरी टीम, ये पूरा मैनेजर, 50 मैनेजर बैठे हैं वेस्ट दिल्ली रीजन में, ये जिस दिन अपने आप को समझ गया कि हम 50 मैनेजर हैं, उसी दिन से देखना अमूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारी बातें हम लोग पुनः फिर जब बैठेंगे तो करेंगे, बट मैं उम्मीद करता हूँ और सर को आश्वस्त भी कराना चाहूँगा कि सर जो जो अपेक्षाएँ हैं वेस्ट दिल्ली रीजन से, बीच बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे, सानिध्य मिलता रहे, मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से, हम लोग सब प्रतिशत कोशिश करेंगे। और ये अभियान लेके चला जाए कि 5 अक्टूबर तक 500 इवल्स की बुकिंग हम लोग करेंगे ही करेंगे, तब जाके हम लोग पहला स्टेप पर पहुंचेंगे। तो धन्यवाद सारा बना।